तो पति के नाम पे होता है या पिता के नाम पे होता है या बेटे के नाम पे होता है। घर है महिला के नाम नहीं, या तो पिता पति या बेटे के नाम। खेत है तो पिता या पति के नाम पे। गाड़ी खरीदी तो पिता या पति के नाम पर। दुकान खरीदी पिता या पति के नाम पर। महिला के नाम पे क्या? ये स्थिति मोदी को मंजूर नहीं है, और इसलिए हमने निर्णय किया प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा। और एक एक घर की कीमत लाखों में है, तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है, और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है। एमपी में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं, और देश भर में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। आप बताएंगे कितने घर बनाए? कितने कितने कितने? ये 4 करोड़ घर, दुनिया के किसी देश में कुल घर इतने नहीं होते हैं। हमने 4 करोड़ नए पक्के घर उन लोगों को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था। और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं, उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोचो नया तरीका है। इनमें गुना जिले में ही लगभग 22,000 गरीबों को पक्के घर मिले हैं। लाखों की कीमत वाले इन पक्के घरों की मालकिन अधिकतर हमारी माताएं बहनें हैं। पहली बार उनके नाम कोई संपत्ति हुई है, चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हजारों रुपये की मदद हो, या लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये बहनों बेटियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह अभियान के माध्यम से हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी बीड़ा बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इन समूहों को बैंकों से मिलने वाले लोन दोगुना कर दिए हैं। पहले बिना गारंटी इन समूहों को 10 लाख रुपए तक ही लोन मिलता था, अब ये हमने 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी देना तय कर लिया और मिल रहा है। इस वर्ष लाल किले से मैंने स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और ड्रोन देने की भी घोषणा की है। इस ड्रोन के उपयोग से बहनों बेटियों को अतिरिक्त आय होगी। ऐसी हर योजनाएं जो बहनों बेटियों को सुविधा देती हैं, उन्हें सशक्त करती हैं, इनमें एमपी बहुत आगे है। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ
एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहने वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, इतने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास आज यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास अब भविष्य की सोचने की क्षमता नहीं बची है। कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत से लोग मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं। अच्छा, आप जरा अपना फोन उठाइए, निकालिए जरा बाहर। आपके हाथ में जो फोन है, आपको पता है ये जो आपका फोन है वो मेड इन इंडिया है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? आज सामान्य भारतीय स्मार्टफोन खरीद पा रहा है, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सस्ता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ दो फैक्ट्रियां थी। भारत आज हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल दूसरे देशों से उस समय मंगवाता था, लेकिन मैं ऐसे ही देश का पैसा बाहर जाते कैसे देख सकता था? आज भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 फैक्ट्रियां हैं, 200। आज भारत हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल देश में बनाता है, देश में बेचता है, इतना ही नहीं बाहर भी बेचता है। कांग्रेस सरकार होती तो ये कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस दूर की सोच ही नहीं सकती। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। साथियों, भारत के हर जिले में कृषि या शिल्प से जुड़ा कोई न कोई विशेष उत्पाद हमेशा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भारत में बनी चीजों पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस कभी भी लोकल के लिए वोकल नहीं रही। गुना, यहां का हमारा धनिया, ये गुना के धनिये का स्वाद हमेशा ही इतना बेहतरीन था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस धनिया की चर्चा यहीं आसपास से बाहर जाने नहीं दी। हमने आज दुनिया में उसको पहुंचाने का काम शुरू किया। यहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजना भाजपा ने बनाई। गुना के मशहूर मसाले आज देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज अशोकनगर के चंदेरी हैंडलूम की मांग विदेशों में भी हो रही है। दिल्ली में G20 का जो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भी चंदेरी साड़ियों की बहुत डिमांड रही। यहां भाजपा सरकार ने बुनकरों को पहचान पत्र देकर उन्हें भी आर्थिक मदद दी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ अपने बेटे बेटियों की भविष्य की ही चिंता होती है।
अच्छा मैं जरा आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक से जवाब देंगे? जरा मुझे सब बताइए, ठीक से जवाब देंगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। अच्छा मुझे बताइए, जो हमारे देश में गांव शहर लोग जो चीजें बनाते हैं वो चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? जो हमारे देश में बनता है वो ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? अगर वो बिकता है तो हर गरीब को लाभ होता है कि नहीं होता है? जो मजदूर मजदूरी करता है उसको भी लाभ होता है कि नहीं होता है? देश का पैसा देश में रहता है कि नहीं रहता है? अगर उसकी कमाई बढ़ती है तो वो अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम है क्या? मुझे बताइए, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस लेना देना है क्या? ये सब की भलाई का काम है ना? आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसने सुना हो कि कांग्रेस के किसी नेता ने कहा हो कि भाई वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद खरीदो? कभी बोला है क्या? कभी बोला है क्या? मुझे बताइए, ऐसे लोग देश की सेवा करेंगे क्या? उसमें भी उनको शर्म आती है? मेरे देश के लोग जो चीजें बनाते हैं वो चीजें मेरे देश में बिके, ये कहने में भी जिन दल को शर्म आती है, ऐसे दल को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए भाइयों, कभी भी नहीं देना चाहिए। अब देखिए, हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाए, ये पीएम विश्वकर्मा योजना भी हमारे एमपी के हमारे विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिक ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान भी पैसा मिलेगा, उनको आधुनिक औजार मिलेंगे, उनको एक 13,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को दिया है। और ये विश्वकर्मा के बिना जीवन चलता ही नहीं है, कुम्हार हो, लोहार हो, सोनार हो, ये सारे जो समाज के लोग हैं इनकी मेहनत से समाज बनता पनपता है, हमने इनके लिए काम किया है। भाइयों बहनों, अब तो दिवाली और धनतेरस भी आने वाला है, मैं गुना से एमपी के देश के सभी नौजवानों से सभी परिवारों को कहूंगा कि हमारे विश्वकर्मा साथियों से जो उत्पाद बनता है ना, हम उसी के खरीदें, हम मेड इन इंडिया खरीदें, हम खरीदें इतना ही नहीं, उस दुकान में जाकर के उस वस्तु के साथ जरा सेल्फी लें और वो सेल्फी लेकर के नमो ऐप पर अपलोड करें, पूरा देश देखेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने में क्या बन रहा है और कितनी शानदार चीज बन रही है। मैं आपका मार्केटिंग करूंगा नमो ऐप पर, मैं आपकी बनाई हुई चीज दुनिया में बेचने के लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरे देश के लोगों की भलाई हो, यही मेरे जीवन का मकसद होता है। मेरे परिवारजनों, ग्वालियर से, चंबल से कांग्रेस के सीएम होने के बावजूद इस क्षेत्र को अभाव में रखा गया था। 2004 तक इतने बड़े मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास थी, भाजपा सरकार ने सड़क नेटवर्क को अब करीब 4 लाख किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। कांग्रेस के राज में यहां 100 किलोमीटर से भी कम के फोरलेन हाईवे थे, आज लगभग 5,000 किलोमीटर के फोरलेन हाईवे एमपी में है। अब तो एमपी के 8 लेन के शानदार और आधुनिक एक्सप्रेसवे तक हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नई सड़कें बनती रहे और जो सड़कें एक्सप्रेसवे बन रही है उनके रखरखाव के लिए भी एमपी में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। डबल इंजन की सरकार होगी तो केंद्र से आने वाले हर पैसे का राज्य के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च होगा। मेरे परिवारजनों, में जानता हूं ग्वालियर चंबल का नौजवान ये कभी नहीं चाहेगा कि विकास के कार्यों को रोकने वाली कांग्रेस सरकार कभी यहां वापस आए। इसलिए एक ही मंत्र, एक ही नारा, एक ही संकल्प, अब फिर एक बार भाजपा सरकार इस संकल्प को लेकर के, और आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, हमें आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन भाषण सुनना, इतनी बड़ी सभा हो गई, अब जाकर के दिवाली में डूब नहीं जाओगे ना?
घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे, हर पोलिंग बूथ में जाओगे, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलेगा, भाजपा को हर पोलिंग बूथ में जिताओगे, घर घर जाओगे पक्का। अच्छा मेरा एक काम करोगे, मेरा व्यक्तिगत काम है, निजी काम है, करोगे? हाथ ऊपर करो तो मैं देखूं, करोगे? जरा जोर से बोलो, करोगे? बिल्कुल, मेरा निजी काम है, मोदी के लिए करना है, करोगे? तो ये काम करना, आप जब भी बाहर जाएं, लोगों से मिले तो उनको कहना कि मोदी जी गुना आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, इतना कर देंगे, मेरे प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे, हर माता बहन को पहुंचा देंगे। अगर मेरा प्रणाम उन तक पहुंचा, वो मनोमन मुझे आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद शक्ति बनकर के मेरे पास पहुंचेगा और मैं देश के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उस शक्ति के सहारे दिन रात काम करता रहूंगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। और इसलिए मेरा प्रणाम जरूर पहुंचाइए, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।